दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन से देश भर में गम का माहौल है। बीती रात सुषमा स्वराज का हार्ट अटैक होने के कारण निधन हो गया। देश भर के साथ उत्तराखंड में भी सुषमा स्वराज को नम आंखों से याद किया गया। सुषमा स्वराज का उत्तराखंड से गहरा नाता रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड से बेहद लगाव रखने वाली सुषमा उत्तराखंड गठन के बाद पहली महिला राज्यसभा सांसद भी बनी। सुषमा स्वराज जी का निधन पूरे भारतवर्ष के एक अपूर्णीय क्षति है। उसके निधन से हम सब स्तब्ध हैं। वो माननीय सांसद राज्यसभा उत्तराखंड से भी रही हैं और जब वो स्वास्थ्य मंत्री थी भारत सरकार में तो एम्स की नींव रखने का काम भी उत्तराखंड में उन्होंने किया है। और जिस तरह से उनकी शैली थी काम करने की, जो लोकप्रियता थी, जो उनका उद्बोधन होता था, उसके लिए सारा संसार उनको जानता है। भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी क्षति है और मुझे लगता है कि शायद इस क्षति की पूर्ति हम नहीं की जा सकती। एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया है। बहुत कद्दावर नेता थी, वाकई जिसे लीडर कहा जा सकता है वो नेता थी आदरणीय सुषमा स्वराज जी। वो पहली सांसद बनी हमारे यहाँ से, राज्यसभा सांसद, और राज्यसभा उन्होंने, उन्हीं की देन थी एम्स ऋषिकेश और दूरदर्शन देहरादून। आप में इतना भावुक ट्वीट है क्योंकि 370 धारा भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले जनसंघ का एक हमेशा से मुद्दा रही है और हम सभी कार्यकर्ता शुरू से कहते रहे हैं कि ये राष्ट्रहित में होगा कि 370 धारा हटे। और अब जब माननीय मोदी जी ने इसको हटाया तो सुषमा जी ने अपनी जो हमारी वैचारिक अधिष्ठान है उसके नाते उन्होंने प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया और देखिए मन की बात कही कि वे इस क्षण को अपने जीवन में देखना चाहती थी। और देखिए वो क्षण आया और उसके 3 घंटे के बाद वो हमारे बीच में नहीं रही। सुषमा स्वराज ने राजनीति में कई उपलब्धियां हासिल की। कम उम्र में कैबिनेट मंत्री और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड सुषमा स्वराज के नाम है। सुषमा स्वराज के निधन के बाद उत्तराखंड में भी शोक की लहर है। उत्तराखंड से सुषमा स्वराज को बेहद लगाव था। उत्तराखंड राज्य के गठन होने के बाद पहली राज्यसभा सांसद सुषमा स्वराज ने उत्तराखंड को कई सौगातें दी। ऋषिकेश एम्स जैसी बड़ी संस्था का योगदान सुषमा स्वराज ने दिया। आज जिस वजह से एम्स ऋषिकेश में मौजूद है और फिलहाल जिस तरीके से आज शोकों की लहर पूरे उत्तराखंड में भी देखी जा रही है, नम आँखों के साथ उनको याद किया जा रहा है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं प्रतीक पाठक, I9 TV, देहरादून।